हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपा सावलानी। आई एम टेकिंग योर इंग्लिश एफएल सब्जेक्ट। सो हियर इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैंडर्ड 10th विच नेम इज फर्स्ट फ्लाइट। यू कैन सी द टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 10th। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट लेसन नंबर फर्स्ट विच नेम इज लेसन नंबर फर्स्ट विच नेम इज अ लेटर टू गॉड, मीन्स भगवान को पत्र लिखना। सो बिफोर यू रीड दिस ए फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड, आस्किंग फॉर 100 pesos। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read. तो ये जो स्टोरी है वो एक लेंचो नाम का कैरेक्टर है जो फार्मर है, ठीक है, जो खेती करता है मकाई की। ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसकी खेती जो है वो रून मतलब नष्ट हो गई। तो वो बोलता है कि भूखा तो कोई नहीं मरता, देर इज़ अ गॉड बिकॉज ही बिलीव्स इन गॉड, उसको भगवान पे विश्वास होता है। तो वो भगवान को लेटर लिखना स्टार्ट करता है। तो क्या उसका लेटर भगवान पे पहुंचेगा कि नहीं? सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Here is a story. The house, the only one in the entire valley, set in the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ठीक है, एक घर है जो वैली मीन्स घाटी, पूरी एक घाटी में घर है जिसके शिखर से हम सब कुछ देख सकते हैं, लाइक रिवर्स, ठीक है, उसकी फील्ड कॉर्न फील्ड, उसकी मकई की खेती एट्सेट्रा, फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है, मकई के जो फ्लावर्स है जिसका हमको साइन मिलता है कि हार्वेस्ट मीन्स अच्छी फसल होगी। Now come to the next point. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. ठीक है, हर कोई जो फार्मर होता है वो वेदर पे डिपेंडेंट होता है क्योंकि वेदर से ही उनकी जो फसल है वो अच्छी बनती है कि बुरी बनती है। तो वो ऐसे बोल रहा है डाउनपोर मतलब बौछार बरसात, ठीक है, और एटलीस्ट शावर मतलब या तो थोड़ी बूंदे बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से वो देख रहा है विंड को, ठीक है, इंटीमेटली मतलब क्लोजली। तो बस वो एक वही आशा रखता है कि बारिश पड़ जाए, बस डाउनपोर मतलब बारिश हो, बस वो वही आस लगाए बैठा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। ठीक है, एक वुमन है, शायद उसकी पत्नी ही होगी, तो वो आवाज़ लगा रही है जो सपर बना रही थी। सपर मीन्स शाम का खाना या रात का खाना बना रही थी। वो बोल रही थी कि बारिश आने वाली है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। ठीक है, द ओल्डर मतलब द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के जो थे वो फील्ड में थे और जो छोटे लड़के थे उसके बच्चे वो प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम कम फॉर डिनर।
ठीक है, खाना खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील देर जस्ट एज जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। ठीक है, तो वो खाना खाने के लिए उसकी पत्नी अपने बच्चों को और अपने पति को बुला रही थी, जिसका नेम लेंचो था। ठीक है, तो उसने लेंचो ने अभी ही प्रेडिकेट मीन्स भविष्यवाणी की थी कि बरसात हो जाए तो अच्छा, तो उसने प्रेडिकेट किया कि बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेंस ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो ये ह्यूज माउंटेंस थे, माउंटेंस ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन हो रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी वो फ्रेश और ठंडी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दिस आर्न रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन्स द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटल वंस आर 5। ठीक है, जो ये लेंचो जो था फार्मर मैन मीन्स, तो वो ऐसे बोल रहा था कि ये सिर्फ रेन ही नहीं है लेकिन ये जो है रेन मेरे गोल्ड कॉइन्स कॉइन्स के समान है। यहाँ पे दे आर न्यू कॉइन्स, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटल वंस आर 5। मतलब ये जो है वो पैसों के साथ इसकी रिजेंबल कर रहा था, क्योंकि ये खेती करता। ठीक है, अगर इसकी फसल अच्छी बन जाती तो इसको रिटर्न में पैसे भी मिलते। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन कर्टन ऑफ रेन। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। ठीक है, उसने एक्सप्रेशन से सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से देखा कि उसकी जो मकाई की जो खेती थी उसके फूल जो थे पूरा वो रेन डीप ड्रेप्ड इन कर्टन ऑफ रेन। ठीक है, जो कर्टन ऑफ रेन, कर्टन मीन्स पर्दा, रेन पूरा जो रेन जो थी वो उस पर ढक लिया था उसके मकाई के फ्लावर्स पे। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। लेकिन सडनली क्या होता है, विंड जो है वो जोर से ब्लो होती है एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन मतलब ओले, जो छोटे छोटे बर्फ के ओले बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश में गिरते हैं तो वो गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल, तो इसकी सरखा, रिजेंबल मीन्स इसकी सरखामणी, इसकी समानता करने जाए तो वो न्यू सिल्वर कॉइन्स थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, चलो वो छोटे छोटे जो पीसेस से बर्फ के लेने चले, बॉयस ऐसे बोलते हैं। बट इट्स रियली गेटिंग बैड न्यू बैड नाउ, लेकिन ये तो बैड था क्योंकि ये जो ओले थे वो तो फसल को पूरा नष्ट करने वाले थे। एक्सक्लेम द मैन आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द होल रेन्ड ऑन द हाउस। ठीक है, लेकिन ये जल्दी गए नहीं, एक ही घंटे में द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो घर में भी आने लगे। द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। इतनी ही देर में ये छोटे छोटे जो बर्फ के ओले थे वो हिल साइड पे, कॉर्न फील्ड पे, मकई की खेती में, गार्डन में, ठीक है, सब जगह ऐसे कवर कर लिए जैसे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने नमक छिड़क लिया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता खाली दिख नहीं रहा था, सभी के सभी इससे जो ये हेलस्टोन से बड़े हुए दिख रहे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मकाई जो थी वो पूरी नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, तो लेंचो जो है वो बहुत ही उदास हो गया।
When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this.